सीएम योगी के कपड़ों का रंग भगवा, सीएम योगी के टेबल का रंग भगवा, योगी जी की गाड़ी की सीट का रंग भगवा, योगी आदित्यनाथ की कुर्सी का रंग भगवा। जी हां, सीएम योगी को भगवे रंग से खास लगाव है। उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ न सिर्फ भगवा रंग के कपड़े पहनते हैं, बल्कि उनकी टेबल का रंग, उनकी कुर्सी का रंग, योगी आदित्यनाथ जी की गाड़ी की सीट का रंग, योगी जी की कुर्सी का रंग, यहाँ तक कि योगी जी के बिछौने का रंग भी भगवा है। सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ को भगवे रंग से इतना प्यार है कि योगी आदित्यनाथ की सुबह की शुरुआत से लेकर सूरज की आखिरी किरण तक योगी आदित्यनाथ के साथ उनका भगवा रंग हमेशा उनके साथ रहता है। योगी बनने से लेकर सांसद तक का सफर हो या फिर सांसद से मुख्यमंत्री की कुर्सी तक पहुंचने का रास्ता हो, हर तरह से योगी आदित्यनाथ और भगवा रंग एक दूसरे से जुड़े रहे। यहां तक कि जब 2017 में योगी आदित्यनाथ ने मुख्यमंत्री की कुर्सी संभाली थी, तब भी सीएम योगी का भगवे रंग के लिए प्यार रह रह कर छलक रहा था। सीएम बनते ही योगी आदित्यनाथ ने सबसे पहले मुख्यमंत्री आवास और मुख्यमंत्री कार्यालय को भगवा रंग में रख दिया। उसके बाद धीरे धीरे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के हर शहर को भगवा रंग में रंगने का मन बना लिया। यही कारण रहा कि जहां 2018 में योगी आदित्यनाथ ने रोडवेज बसों का रंग भगवा कर दिया, वहीं कई सरकारी कार्यालयों का रंग भी भगवा कर दिया। यहां तक कि सड़कों किनारे लगे साइनबोर्ड और सरकारी बैनरों का रंग भी भगवा कर दिया। यहां तक कि उत्तर प्रदेश में योगी सरकार बनने के बाद छात्र छात्राओं को बांटी जाने वाली साइकिल्स के रंग भी भगवा कर दिए गए, जिसे लेकर काफी बवाल हुआ। लेकिन सीएम योगी के भगवा रंग के आगे सब बवाल हवा हो गए। पुरानी कहावत है कि जैसा लीडर होता है, वैसी ही उस नेता का अनुसरण करने वाले लोग भी होते हैं, और ये लाइन उत्तर प्रदेश में बिल्कुल सटीक बैठती है। क्योंकि जैसे ही सीएम योगी ने अपने आवास और कार्यालय को केसरिया रंग में रंगा, वैसे ही सूबे के उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा ने भी अपने सरकारी आवास और कार्यालय को केसरिया रंग में रंग दिया। इतना ही नहीं, सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का अनुसरण करते हुए योगी सरकार में इकलौते मुस्लिम मंत्री मोहसिन रजा ने भी अपने दफ्तर को पूरा भगवा कर दिया, और लखनऊ में हज हाउस भी भगवे रंग में नजर आने लगा। सूबे के दूसरे उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य और दूसरे कई मंत्रियों ने अपने सरकारी आवासों के सामने भगवा रंग की पट्टियां लगवा ली। यहां तक कि जब सीएम योगी अपनी यात्रा के दौरान बरसाने का रुख कर रहे थे, तब अपने मुख्यमंत्री को खुश करने के लिए कई लोगों ने अपने घरों की दीवारों को भगवा रंग में रंग दिया। साथ ही शास्त्रों में जैसा कि लिखा गया है कि जस राजा बस प्रजा, तो ठीक वैसे ही मुखिया योगी आदित्यनाथ के भगवा प्रेम को देखते हुए कई लोगों ने अपने घरों का रंग, कई स्कूलों के प्रधानाचार्यों ने स्कूलों की दीवारों का रंग, यहां तक कि मुजफ्फरनगर के टोल प्लाजा का रंग भी भगवा रंग में रंग दिया गया। सीएम योगी के व्यक्तिगत जीवन में भगवा रंग कितना प्रभावी है, इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि जब योगी आदित्यनाथ किसी से मिलने जाते हैं, तो उस जगह पर बैठने की कुर्सी से लेकर खाने तक की जगह भी भगवे रंग में रंगी हुई होती है। और गोरखपुर से योगी आदित्यनाथ का जो लगाव भगवा रंग से शुरू हुआ था, आज पूरे उत्तर प्रदेश में कहीं न कहीं नजर आ ही जाता है, चाहे वो कोई रैली हो या फिर कोई सामाजिक कार्यक्रम। वैसे भी सियासत में रंगों का खेल कोई नया नहीं है। जब मायावती की सरकार थी तो सूबे में नीला रंग नजर आता था, और अब योगी सरकार में भगवा रंग नजर आता है। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर, और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए न्यूज नशा की वेबसाइट पर जाएं। आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज नशा।